हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल तो एक और सीरीज आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी की जिसमें हम नीट के ही पेपर सॉल्व करा रहे हैं आपको ये पार्ट थ्री है सीरीज नंबर ट्वेल्व है इसके पहले की सीरीज आपको देखनी है तो ऊपर लिंक पे एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है वहां क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज हम तो देख सकते हैं ये क्वेश्चंस की आने के चांसेस ए बी एम एम्स बी नर्सिंग उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में बहुत है सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है ध्यान से देखिए वीडियो चीजें चलते हैं वीडियो की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जैसे ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे तो स्टेटमेंट आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो क्या पूछा है इसमें से गलत कौन सा है तो हमेशा याद रखिए करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है तो यहां दिया हुआ है साइकिल फोटोफॉसफोराइलेशन इन्वॉल्व पी एस वन एंड पी एस टू तो देखिए यही स्टेटमेंट गलत है पहला ही स्टेटमेंट गलत है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया है तो आंसर तो ये पहले ही सही हो चुका है आंसर नंबर है बाकी देख लेते हैं बोट ए टी पी एंड एन ईडी पी एच आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉसफोराइलेशन ये कह रहे हैं नॉन साइक्लिक साइक्लिकोटोफॉसफोराशन में ए टीपी और एन ई डी पी एच दोनों सिंथेसाइज होते हैं ये सही है फिर है कि स्ट्रोमा लेमिले लेटो सिस्टम वन ओनली एन लैक एनडीपी डिडक्टेज ये भी सही है फिर कह रहा है ग्रैना लेमिले हैज बोथ एंड ले तो ये भी सही है तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो ये वाला है पहला वाला कि साइक्लिक फोटोफॉसेशन वॉल पी एस वन पी एस टू खाली एक होता है दोनों फोटो सिस्टम नहीं होते आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू देखिए इसमें भी यही पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्या पूछा गया? गया है करेक्ट पूछा गया है ठीक है तो आपको इसमें से सही आंसर ढूंढना है ठीक तो है तो ऑप्शन है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स तो कुछ ऑर्गेनिज्म एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं शीत सेल्स क्या सही है जी नहीं ये गलत है उन सेल्स का नाम होता है हेट्रोसिस्ट क्या नाम होता है हेट्रोसिस्ट फिक्स करते हैं ठीक है थीके? फिर फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगी तो कैरियोगेमी क्या होता है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स नहीं होता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया होता है दो न्यूक्लियस का फ्यूजन केरियोगेमी होता है तो यह भी स्टेटमेंट गलत है थर्ड देखते हैं आइए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या कह रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमी इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी तो कह रहा है कि दो मोटाइल या नॉन मोटाइल के फ्यूजन को प्लाज्मो कहते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो ये क्या सही ये ऑप्शन सही है बिल्कुल चौथा आ रहा है कि ऑर्गेनिजम्स डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट कह रहा है डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट सेप्रोफाइट कहलाते हैं गलत है सेप्रोफाइट नहीं कहलाते ये डिके और डेड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ठीक है तो इसका एक ही आंसर सही आ रहा है हमको करेक्ट ढूंढना था वो ये है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है प्लाज्मो गैमी ओके आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री यहां मैच करना है तो हम डायरेक्ट मैच करने की यहाँ पे प्रयास करेंगे पहला दिया हुआ है नाइट्रोकॉकस राइजोबियम थियोबैसल और नाइट्रोबैक्टर और यहां दिया हुआ है चार ऑप्शन कहीं डी नाइट्रिफिकेशन लिखा है कहीं अमोनिया कहीं नाइट्राइट तो किसका क्या काम होता है उसको हम लेके चलते हैं तो नाइट्रोकॉकस क्या करता है ठीक है तो नाइट्रोकॉकस का क्या काम है नाइट्रोकॉकस काम है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में किसको कन्वर्ट करता है अमोनिया को करता है नाइट्राइट में कन्वर्ट राइजोबियम क्या करता है ये आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये आपको क्लियर होगा कि ए, कन्वर्जन करता है एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन तो ये फिक्सेशन करता ही है तो एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है थियोबैसिलस क्या करता है थियोबैसिलस का काम है डी नाइट्रिफिकेशन देखिए इसका काम क्या है डी नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है नाइट्रोबैक्टर करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट तो इसके सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये नीट का है इसलिए डायरेक्ट यहां मैच पूछा गया है नर्सिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं राइजोबियम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है थीवेसल डी और नाइट्रोकॉकस अमोनिया टू नाइट्राइट और नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर फिर इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसमें से गलत कौन सा है ठीक है तो आपको ये ढूंढना है तो हम सारे यहां देखते हैं पहला कह रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन तो ये क्या सही स्टेटमेंट है हाँ ये सही स्टेटमेंट है सही है फिर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज तो रोल कहां पे आता है ऑक्सीजन का टर्मिनल स्टेज में एरोबिक रेस्पिरेशन में ये भी बात बिल्कुल सही है आखिरी में होता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब ईटीसी साइकिल में वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी एच तो ये गलत है वन मॉलिक्यूल ऑफ दो ए टी पी नहीं देता है तीन ए देता है ठीक है तो ये तो गलत है ठीक है तो ये जो है आपका गलत हो गया एंड ए टी पी इज सेंड थ्रू कॉम्प्लेक्स फाइव तो ये भी ऑप्शन आपका सही है तो इसमें गलत आंसर कौन सा है क्या पूछा इनकरेक्ट वो थर्ड वाला है बाकी सभी स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर सी होगा ओके okay, बाकी स्टेटमेंट भी अपने आप में क्वेश्चन है इनको भी याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि इन सम मेंबर्स इन सम मेंबर्स ऑफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोलोइंगज अब फैमिलीज के नाम याद दिए हुए हैं इनके कुछ मेंबर में क्या होता है पॉल ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनके कुछ मेंबर्स में इन फैमिलीज जिनसे लिखी हुई है ये बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं या वायबल रहते हैं बहुत दिन तक कई मंथ तक आफ्टर रिलीज भी अपनी वायबिलिटी बना के रखते हैं तो वो कौन सी फैमिलीज है रोजेसी लेग्युमिनेसी है पोएसी रोजेसी है पोएसी लेगुमिनेसी है पोएसी सोलनेसी आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है तो आप ये याद रखिए कि ये भी एनसीआर का ही क्वेश्चन है तो इसमें तीन फैमिलीज ऐसी होती है एक रोजेसी होती है दूसरी लेग्युमिनेसी होती है और तीसरी होती है सोलनेसी ये तीन फैमिली ऐसी है जिसमें पोलेंड गेंस बहुत देर तक वायबल रह सकते हैं और पोएसी में नहीं होते ठीक है।, है तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन है पोएसी आ रहा है इसमें 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 तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए ठीक है तो सिर्फ रोजेसी और लेगुविनेसी वाला ऑप्शन सही है तो इसका आंसर है रोजेसी और लेगुविनेसी अगर सोलनेसी भी लिखा होता तो वो भी सही है लेकिन सोलनेसी को पोएसी के साथ लिखा है तो पोएसी इसमें नहीं हो सकता आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें से आपको क्या करना है सही स्टेटमेंट ढूंढना है आइए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है एक एक स्टेटमेंट देखते हैं पहला कह रहा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लिट जीन मतलब स्प्लिट जीन मतलब उसमें इंट्रॉन्स और एग्जॉन दोनों प्रेजेंट है तो प्रो कैरियॉर्स में तो ये होता नहीं है ये तो यू में इंट्रॉन एग्जॉन होता है तो ये गलत स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है इन कैपिंग कैपिंग की बात हो रही है मिथाइल ग्वानसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू थ्री डैश एंड तो थ्री डैश एंड पे नहीं है तो फाइव डैश एंड पे होता है तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है फिर कह रहा है आर एन ए पॉलीमरेज फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया तो ये सही है आर एन ए पॉलीमरेज रो से बाइंड करके रो फैक्टर से बाइंड करके टर्मिनेट करता है और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर होता है ठीक है डी स्टेटमेंट क्या है द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपी टू मैसेंजर आर ए कह रहा है जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है मैसेजर आर ए पे कॉपी हो जाता है तो कोडिंग नहीं होता है टेम्पलेट वाला होता है ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं तो टेम्पलेट स्टैंड मैसेजर आरने कोड करता है ना कि कोडिंग करता है तो ये भी ऑप्शन गलत है सही वाला सिर्फ ये है कि आर एन पॉलीमरेज रो से बाइंड करके टर्मिनेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को और सिग्मा से बाइंड करके इनिशिएट करता है आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ भी मैचिंग है ठीक है थोड़ा इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है तो प्रोटीन फैटी एसिड न्यूक्लिक न्यूक्लियक्साइड न्यूक्लिक एसिड तो पॉलीसेक्राइड लिखा हुआ है और यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो पेप्टाइड लिखा हुआ है तो देखिए प्रोटीन में ही पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो ये तो पहले ही मैच हो गया फैटी एसिड तो इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं सी डबल बॉन्ड ठीक है क्या होते हैं वा फॉसफोडास्ट बैंड दो बेसिस किससे कनेक्ट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बॉन्डेड होते हैं आपस में होती है तो ऑप्शन क्लियर है आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट अब मैच में बहुत से क्वेश्चन इंडिविजुअली बन जाते हैं और नर्सिंग के क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैचिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे लेकिन इससे डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ सेल साइकिल फेजेस की बात आ रही है एस फेज लिखा है जी टू फेज क्विशेंट फेज और जी फेज एस फेज में क्या होता है बताइए एस फेज में रेप्लीकेशन होता है तो कहीं रेप्लीकेशन दिया है ये दिया डीएनए रेप्लीकेशन तो एस फेज तो आपकी डीएनए रेप्लीकेशन हो गई ठीक है जी टू फेज में क्या होता है जी टू फेज में आपका होता है, तो है? हाँ, तो हो प्रोटीन okay? का मतलब एक तरीके से स्टॉप स्टेज होता है तो इनएक्टिव फेज होती है क्विसेंट फेज ठीक है फिर जीवन फेज तो, तो जीवन फेज से चौथा ऑप्शन बचा यही होगा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन तो आपको पता है माइटोसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है ठीक है डीएनए एन तो आपका एस फेज में होता है तो आपको पता है और इसके बीच का जो फेज होता है माइटोसिस और डीएनए डीएनएन का बीच का जी वन फेज और जी टू फेज में क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है ये मैं भी समझा दे रहा हूं अच्छे से नाउ वट इज मतलब आजकल इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर तो कह रहे हैं आजकल पॉसिबल है कि आप म्यूटेटेड जीन जो जीन म्यूटेट हो गई मतलब उसमें बेस पेड़ चेंज हो गए जो कि कैंसर कॉज करता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाई अलाउइंग इट रेडियो एक्टिव प्रेव उसका रेडियो एक्टिव प्रोव बना के हाइब्रोडाइज कर दिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री डेन एस इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी तो पूरा स्टेप बताया इन्होंने कि अगर आपको जानना है कि कोई जीन म्यूटेट हो गई है और कैंसर कॉज कर रही है तो उसको रेडियो एक्टिव प्रोप से हाइब्रिडाइज करके ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट किया जा सकता है देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये एक्चुअली आपने अभी नहीं पढ़ा होगा माइक्रो एरे का कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है माइक्रो एरे अब माइक्रो एरे क्या होता है माइक्रो एरे में पैरल बहुत से प्रोप रहते हैं अब इसको इस तरीके इस से समझिए इस तरीके से समझिए कि जैसे एक प्लेट है ठीक है और इस पर मैंने जो है मान लीजिए एक जीन है ठीक है ये नॉर्मल जीन है कैसी है नॉर्मल जीन ठीक है तो जीन भी क्या होता है डीएनए होता है तो डीएनए है तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में यहां पे लगा दू इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहां पे लगा दू इसको जब इस प्लेट पर भेजूंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री देख के ये क्या कर जाएगा इससे इससे बाइंड कर जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इस प्रोसेस की बाइंडिंग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेगा हाइब्रिडाइज हो गया ये हाइब्रिडाइजेशन को अगर रेडियो एक्टिव रूप से रखा जाए तो इसको ऑटो रेडियोग्राफी से देखा जा सकता है क्यों क्योंकि जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां रेडियो एक्टिविटी है और हाइब्रिडाइजेशन जहां जहां मतलब रेडियो एक्टिविटी होगी मतलब हाइब्रिडाइज हुआ है जहां नहीं है हाइब्रिडाइज हुआ हुआ रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं होगी अब अगर कोई म्यूटेटेड जीन आ जाती है म्यूटेटेड जीन क्या होगी जिसका डी एन सीक्वेंस चेंज हो गया कहीं पर कोई बेस पेड चेंज हो गया तो इसका तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड था इसका तो इस पर जाके ये बाइंड नहीं करेगी क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं मिलने हैं तो जब बाइंड नहीं करेगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो हाइब्रिडाइज किससे होना था रेडियो एक्टिव प्रोफ से तो हाइविडाइजेशन नहीं होगा तो ऑटो रेडियोग्राफी वो दिखेगा भी नहीं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्लेट पे ठीक है आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को आइए ऑप्शन देखते तो आपको समझ में आएगा कहना है कि अगर आप प्लेट पे आपने एक नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है तो नॉर्मल और म्यूटेटेड है तो दोनों में फर्क होगा इसका अगर नॉर्मल का कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया तो ये तो हाइब्रिडाइज कर जाएगा लेकिन ये हाइब्रिडाइज नहीं करेगा तो इसकी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए तो इसमें जो मेन आंसर जो आपका रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी क्यों है इसमें कह रहा है ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट एल्टिविटेड तो क्या होगा जो फिल्म है इस इसमें म्यूटेटेड जीन दिखेगी ही नहीं क्यों नहीं दिखेगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं और हाइब्रिडाइजेशन की नहीं हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ प्रोब जो था उससे जब कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो उसकी विजिबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोफ था जब रेडियो एक्टिव प्रोफ से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो वहां पे वो जीन दिखेगी ही नहीं और ऐसे ही डिटेक्शन हो जाएगा ओके क्लियर आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाई अब डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है और आपको पता है ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ठीक है स्टबुलट करता है तो कहाँ बनता है पैंक्रियाज में एडिनोहाइफोसिस में कि बोन मैरो में किडनी में तो पता होना चाहिए एथरोपोटिन हार्मोन बनता है किडनी में जहां उसकी जक्स्टा जक्सटाग्लोबरल सेल्स बनाती हैं तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं यही पता होना चाहिए आपको जक्स्टा जक्स्टाग्लोबरल सेल्स यही पता होना चाहिए कि एथरोपोटिन किडनी में बनता है ये भी पता होना चाहिए कि एथरोपोइटिन से आरबीसी फॉर्मेशन होता है और अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है या आर्टिफिशियल किडनी लगती है तो उसमें आइट्रोपोइन हार्मोन नहीं बन पाता ये सब आपको क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आई चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन देखिए बात कर रहा है कॉकरोच कॉकरोच के रिस्पेक्ट में में ऑफ द फॉलोइंग इज पूछा है ठीक है तो हम सीधे बात करेंगे जो इनकरेक्ट वाला है ठीक है टेंथलमिनलमेंट इन बोथ सेक्सेस ये ये भी स्टेटमेंट सही है हाइपोफरेंस लाइज विद इन द कैविटी ये भी सही है और डी भी सही है इसमें देखिए आंसर में बताता हूँ आपको डायरेक्ट इसमें आंसर जो है ये बी वाला गलत है क्यों गलत है और यही इनकरेक्ट है तो यही हमको बताना है इसमें लिखा ring of gastric है रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सी के ठीक है इस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट तो मिड गट और हाइंड गट के बीच में क्या होता है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं मिड गट और हाइंड गट के बीच में गैस्ट्रिक सी का नहीं होता ये फोर गट और मिड गट के बीच में होता है तो इसका सही आंसर मतलब यही ऑप्शन गलत है और यही आंसर है इसका ठीक है बाकी सभी स्टेटमेंट सही है इन सबको पढ़ लीजिएगा हो सकता है इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के चला आए ठीक है कि जैसे इन फीमेल स्टर्नर टुगेदर फॉर्म तो तो ये सही है तो ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है सभी ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा इसके और सभी ऑप्शंस एक क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ मेअर्टिक प्रोफेस ठीक है शोज टर्मलाइजेशन ऑफ क्या एज इज एक्सटेंटिव फीचर तो पूछ रहा है किस फेज में क्या का टर्मलाइजेशन हो जाता है ठीक है किस फेज में तो क्या कब बनता है और टर्मलाइजेशन कब होता है सही आंसर इसका क्या है इसका सही आंसर है डायकाइनसिस ठीक है स्टेजेस आपको पता है लेप्टोटीन जायोटीन लेप्टोटीन होती है है ना लेप्टोटीन होती है जायगोटीन होती है उसके बाद क्या होता है पैकिटीन होती है फिर सॉरी लेफ्टोटीन होती है पैकेटीन होती है pacitin होती है डिप्लोटीन होती है और डायकाइनसिस होती है ठीक है तो लेफ्टोटीन में तो कंडेंसेशन होता है कंडेंसेशन का प्रोसेस और जाइगोटीन में टुगेदरनेस का प्रोसेस होता है पैकेटीन में आपका लेट पैकेटीन स्टेज पे क्रॉस ओवर होता है रिकॉम्बिनेशन होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट होता है क्या बाटा बनता है आपका डिप्लोटीन में और डायकानेसिस में इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है सही आंसर क्या होगा डायकाइनसिस ठीक है पैकेटीन इसमें याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसओवर कब होता है तो क्रॉसओवर जो रिकॉम्बिनेशन होता है ना एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट वो पैकेटीन स्टेज में होता है वो भी लेट पैकेटीन स्टेज में ओके लेकिन आंसर उसका पैकेटीन होता है इसका आंसर क्या है डायकानेसिस आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ डायरेक्ट क्वेश्चन है सक्कस एंट्रिकस किसके कहते हैं काइम को पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइनल जूस या कैस्ट्रिक जूस

तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना रहता है ज़्यादा ही रहेगा वन जीरो फ़ोर रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोर्टी रहता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसको अच्छे से याद कर लिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा वन जीरो फ़ोर और फोर्टी का कॉम्बिनेशन रहता है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए फिर आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है मैचिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं फाइजेलिया लेमोल्स एनसालास्टोमा और पिंक टाडा तो आपको पता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको ऑप्शन से मैच कराना है

जीन होता है पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन कह रहा है अगर बहुत ज्यादा मेंचर नहीं मेंटेन किया जाए बिगिनिंग में देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर तो कौन सा स्टेप पीसीआर का अफेक्ट होगा तो पीसीआर में आप याद है आपको पीसीआर सबसे पहले क्या होता है डीनेचुरेशन फिर क्या होता है एनीलिंग और फिर क्या होता है एक्सटेंशन ये आपको पता है तो अगर शुरू में हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो क्या नहीं होगा तो शुरू का स्टेप नहीं होगा वो है डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन क्या होता है दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं ठीक है दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग होने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है टेम्परेचर आप हाई नहीं रखेंगे डी नेचुरेशन होगा नहीं डी नेचुरेशन नहीं होगा तो एनीलिंग भी नहीं कर पाएंगे आप आई चलते क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है देखिए चार ऑप्शन दिए हैं एस्परजिलस नाइजर एसिटोबैक्टर एसिटी क्लास्टिडियम और लेस्टोबैचल अब पूछ रहे हैं कौन क्या चीज जनरेट करता है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको पता है लेक्टोबैल का जहां नाम आए ठीक है डायरेक्ट लेक्टिक एसिड तो ये तो इसी से बाइंड हो गया मैच एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटी लिखा हुआ है एसिटिक एसिड एसेट। आपको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं फिर एस्परजल नाइजर है तो उसको याद रखिए साइट्रिक एसिड से रिलेटेड होता है और क्लास्टिड ब्यूटेलिकम बचा क्या, तो गया तो हो गया ब्यूट्रिक एसिड ठीक है तो इस तरीके से आपको ऑप्शन याद भी रहने चाहिए सब पढ़ लीजिए फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट मतलब इनकरेक्ट बताना एक तरीके से इसको कहा है इनकरेक्ट ही समझिए द नेचर ऑफ स्पूथ मसल्स आपको पता है मसल्स के बारे में स्पूथ मसल्स होती हैं जिसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है स्पूथ मसल के बारे में पहला दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स तो ब्लड वेसल की वॉल क्या स्मूथ से बनी रहती है सही है दीज मसल्स हैव नो है तो मतलब कोई स्ट्राइशेशन नहीं होते इसमें स्मूथ मसल्स में ये भी सही है दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स इनवॉलेंट्री है? ये भी सही है फिर कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स मतलब सेल्स ऑफ द मसल्स परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क तो ये नहीं सही है इंटरकलेटेड डिस्क जो होता है वो कार्डियक मसल में होता है स्मूथ मसल में नहीं होता तो ऑप्शन नंबर फोर इसका गलत है ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहा है क्रोनिक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहली बात कह रहा है ऑटो इम्यून देखिए एक आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑटो इम्यून अफेक्टिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन किसको अफेक्ट कर रहा है न्यूरो और मस्कुलर न्यू नर्व्स और मस्कुलर जहाँ पे मिलती है नर्व्स और मसल्स लीडिंग टू फैटिक वीकनिंग पैरालिसिस ऑफ स्केल्टल मसल्स ये कौन सी बीमारी है गाउट है आर्थराइटिस है मसलर डेस्ट्रॉफी है की माइस्थिनिया ग्रेविस है अब देखिए सबसे पहली बात क्या ऑटो इम्यून कहा है तो इसमें से ऑटो इम्यून कौन सी है ये है तो वैसे ही आंसर आ गया और दूसरी बात ये न्यूरो मसलर जेंशन को अफेक्ट करती है तो इसका सही आंसर वैसे भी यही है ठीक है और तो ये हो गई ऑटो इम्यून डिजीज तो ऑप्शन यहीं से हो गया मसलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है जेनेटिक डिजीज और गाउट और आर्थराइटिस आपको पता है जहां पे फ्लूइड में प्रॉब्लम आने लगती है में ओके आई चलते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर करके लोग इसे गलत कर देते हैं पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप क्या है ए बी आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपियंट्स मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं और ओ वाले कह देते हैं यूनिवर्सल किसी से भी रिसीव कर सकते हैं सॉरी ब्लड तो पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपियंट ये किसी से भी आप ये ब्लड किसी का भी रिसीव कर सकते हैं और ओ ग्रुप वाले क्या कहलाते हैं डोनर है ना तो ओ वाले क्या कहलाते हैं डोनर यूनिवर्सल डोनर और ए बी वाले किसी का भी ब्लड ले सकते हैं तो ऐसा क्यों कहा, कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपियंट्स क्यों कहा जाता है तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा ए बी ब्लड ग्रुप जब होगा उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे तब दोनों प्रेजेंट होंगे तो एंटीबॉडीज़ क्या होंगी इसकी मिसिंग होंगी एंटीबॉडीज़ कहाँ बनती हैं प्लाज्मा में तो आपको यह ऑप्शन देखना है तो क्या होना चाहिए इसमें एंटीबॉडीज एबसेंट होनी चाहिए एंटीजन ए एंटीजन ए प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है तो क्या कह रहा है एबसेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंटीजन ए एंटीजन बी इन प्लाज्मा ठीक है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है एबसेंस ऑफ एंटीजन ए एंटीजन बी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी आरबीसी पे होता ही नहीं है एबसेंस ऑफ एंटीजन ए एंटीजन बी इन प्लाज्मा ये भी गलत है और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटीजन ए एंटीजन बी इन प्लाज्मा तो ये भी गलत है देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है इसमें क्या होगा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रेजेंस यहां पे क्या होगा प्रेजेंस ऑफ ठीक है तो यहां पे प्रेजेंस होगा तो एंटीबॉडी नहीं होगी और एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अब आप याद रखिए ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपियंट हैं किसी का भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है और प्लाज्मा में होता है ठीक है और वो जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं क्योंकि किसी को भी ब्लड ये डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर ना एंटीजन ए होता है और ना ही एंटीजन बी होता है एंटीबॉडीज दोनों की होती हैं ठीक है थीके? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ तो ये लास्ट क्वेश्चन है देखिए पिछली बार मैंने जो वीडियो जनरेट किया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी उसी का करेक्शन है ये पूछा था इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ये इक्वेशन में ई e क्या रिप्रेजेंट करता है ई e क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो इसमें मैंने गलती से एक्सपोनेंशियल बता दिया था तो एक्चुअली इसका आंसर है बेस ऑफ नेचुरल लॉगथम याद रखिएगा मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन था गलती हो गई तो बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम ई को रिप्रेजेंट करता है तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे बने रहिए हमारे चैनल साथ सब्सक्राइब कर लिए बेस्ट ऑफ लक एंड